हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये लेडीज जूती लेके आई हूँ। इसको बनाने के लिए हमने ये तीन कलर के वूल लिए हुए हैं। ये और एक ये हमने क्रोशिया लिया है और ये 9 नंबर की नीडल ली हुई है। ये देखने में जितनी सुंदर लगती है, ये बनाने में उतना ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें ऊन भी बहुत कम लगता है। अब हमें इस बेस कलर से 25 फंदे डाल लेने हैं। ये हमने 25 फंदे डाल लिए और एक सिलाई हमने सीधा बनाया सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी सीधा बनाया। दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हमें ये 50 लाइंस बना लेनी है। ये जो लाइन आई है, ये 25 लाइंस आ जाएंगी। ये हमने 50 लाइंस बना लिया। अब ये लाइनें 25 लाइंस आ गई हैं। अब यहाँ तक बनाने के बाद हम इस कलर को लगा लेंगे। इस कलर को लगाने के बाद पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये हमने कलर को लगा लिया। ये पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। ये पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी सिलाई में हम पूरे फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा और बना लेंगे। अब हमने ये 4 सिलाई सीधा उल्टा बना लिया। अब हम इस बेस कलर से फिर ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। अब ये पूरी सीधी सिलाई बना लिया। उल्टी तरफ से भी हम सीधा ही बनाएंगे। पूरा कंप्लीट कर लेंगे बना के। ये हमने 2 सिलाई सीधा बना लिया। अब हम 2 सिलाई और सीधा बनाएंगे। ये 2 लाइनें आएंगी। एक लाइन आ गई है और एक लाइन और बनेगी। अब हमने ये 4 सिलाई सीधा सीधा बुन लिया दोनों तरफ से। अब हम इस कलर का धागा लगा लेंगे और इसको लगाने के बाद पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी सिलाई में पूरे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हमने एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बना लिया। अब एक सिलाई सीधा हम फिर बनाएंगे और उल्टी सिलाई में उल्टा बना लेंगे। ये हमने 4 सिलाई सीधा उल्टा बना लिया। अब हम फिर इस बेस कलर से फिर हम 4 सिलाई सीधा सीधा बनाएंगे दोनों तरफ से। सीधी सिलाई में भी सीधा और उल्टी सिलाई में भी सीधा। ये इस तरह से ये 2 लाइनें आ जाएंगी। इस तरह हम आगे बनाते हुए ये 4 पट्टियाँ बना लेंगे। इस कलर से हम 4 पट्टी बना लेंगे और इस कलर से हम 3 पट्टी बनाएंगे। जैसे हमने इस कलर को लगाया, फिर हमने ऐसे बनाया 4 सिलाई सीधा सीधा, फिर इस कलर को लगाया, फिर ये 4 सिलाई सीधा सीधा इसके ऊपर बनाएंगे, फिर इस कलर को हमने लगाया,
एक बार इस कलर को लगाएंगे और एक बार इस कलर को लगाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम चार पट्टियाँ इसकी बनाएंगे और तीन पट्टी इसकी बनाएंगे। अब हम आगे बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। अब ये हमने इसकी चार लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3 और 4, और इसकी तीन लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3। अब ये इतना बनाने के बाद फिर हम ऊपर ये बेस कलर से 50 लाइंस बनाएंगे। ये जो लाइनें हैं ये 25 लाइंस आएंगी। ये जैसे हमने पहले ये बनाया था यहाँ से यहाँ तक, फिर हम ये ऊपर में बना लेंगे। अब ये हमने ये पूरा यहाँ तक बना लिया। अब ये देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा ऐसे। अब इसको हम नीडिल से लेकर के इस कलर के धागे से इस लाइन में एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब ये हम यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। एक फ्लावर यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चार फ्लावर इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे एडजस्ट करके बना लेंगे। इसको देखिए हम इस तरीके से बनाते हैं। ये नीडिल में इस कलर का धागा हमने लगा लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, ये बीच से यहाँ पे हम धागा निकाल लेंगे। यहाँ से फिर हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे धागा को इधर घुमाएंगे और ये फ्लावर की लीफ बना लेंगे। ऐसे बनाया। अब इसको यहीं से फिर हम ऐसे डाल के और फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब फिर दूसरी लीफ हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे लेके, ऐसे घुमा के ये बना लेंगे। फिर इस धागे को अंदर लेके और यहाँ से निकाल लेंगे। ये दो लीफ हमने बना ली। अब एक लीफ यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ से धागा निकालेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसको अंदर से ये धागा ले जाके और यहाँ निकाल लेंगे। अब एक लीफ यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने एक फ्लावर बना लिया। ये एक बना लिया। अब धागा को अंदर से ही हम यहां पे लेके आएंगे ऐसे। अब हमने दूसरा यहाँ पे बनाना है, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। इसी तरह से एक लाइन में हम चार फ्लावर बना लेंगे। ये इस पे बना लेंगे, इसमें बना लेंगे, इसमें और इसमें। इन चार लाइनों में फ्लावर बनाने के बाद फिर हम आपको सिल के दिखाते हैं सॉक्स को। ये हमने पूरे ये फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये इस तरह से बन के आ जाता है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। इसको हमने ऐसे दोनों किनारों से ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे। अब हम पहले एक तरफ से ये सिलाई करेंगे और ये नीचे से ये सिलाई कर लेंगे। अब हमने इसकी यहाँ की साइड की और ये नीचे की ये हमने सिलाई कर लिया। ये दोनों तरफ से हमने सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर का हम फ्रंट वाला सिलाई करेंगे। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। ये इसको लेंगे, यहाँ से ये जो हमने कलर लगाया हुआ है
यहाँ से ऐसे सुई निकालेंगे। ऐसे लेकर के इस फंदे के अंदर से ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा सिलाई ऐसे कर लेंगे। ऐसे हम यहाँ तक इस तरीके से की सिलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी ऐसे सिलाई कर लिया। अब हम इस धागे को ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा लेंगे, इसको ऐसे कस देंगे, ऐसे ये धागा ऐसे खींच देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे अब इसको सिल देंगे, ऐसे पकड़ के इसको हम सिल देंगे। अब हम इस कलर का धागा लेंगे और इससे हम ये क्रोशिए से एक फ्लावर बना लेंगे। अब हमने ये इसको उंगली में लपेट के इससे हम चार चेन बना लेंगे। ये हमने चार चेन बना लिया और अब यहाँ पे हम इस लास्ट वाले में ऐसे डालेंगे और इसको एक सर्किल बना लेंगे। अब ऐसे लेंगे और इसके अंदर ये एक घर बना लेंगे। इसी तरह से हमने ये छः बना लेना है। फिर ये ऐसे लेंगे और इस सर्कल के अंदर ऐसे लेके और ये अब तीन का दो करेंगे और ये दो का एक कर लिया। ये दो हमने बना लिया, चार और बना लेंगे। ये हमने इसकी सर्किल बना लिया। अब यहाँ पे हम ये दो चैन ले लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम ये बनाएंगे ऐसे। ये हमने दो बार ये बनाया। अब फिर दो चैन लेंगे और इस सर्किल के अंदर ऐसे दो का एक कर देंगे। ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम इस पांच में भी बना लेंगे। जैसे ये एक हमने ये बनाया, यहाँ भी बना लेंगे। ये हमने फ्लावर को बना लिया। अब इस फ्लावर को हम ये जूती के ऊपर ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। सुई से इसको हम लगा लेंगे। अब ये हमने ऐसे फ्लावर को यहाँ पे लगा लिया सेंटर में। अब ये जूती बनके तैयार हो गई। ये इस तरह से आ जाएगी। देखिए बनने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है। अब ये हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया और इसे भी अब हम फोल्ड करके सिल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।